हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। अगर आप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करवा रहे हैं, सरकारी जगह से लगवा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है ऐसे कौन से टीके हैं जो रह जाते हैं, जो बच जाते हैं, जो सरकारी संस्थाओं में नहीं लगते हैं, जो आपको प्राइवेटली अपने बच्चों को जरूर लगवाने चाहिए। तो ये लिस्ट उनके लिए है, फटाफट से ये वीडियो सेव कर लीजिए या फिर पेंड आउट कर लीजिए। तो फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर ही दो ऐसे टीके होते हैं जो गवर्नमेंट में नहीं लगते हैं। इसमें से एक है फ्लू का टीका, जो बच्चे को सर्दी जुकाम मौसमी बदलाव की वजह से जो होता है उससे बचाता है। सी, और दूसरा है टाइफाइड का कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। सरकारी में जो वैक्सीन लगता है टाइफाइड का, वो 2 साल के बाद जाके लगता है और वो सिर्फ 3 साल के लिए इफेक्टिव होता है, बल्कि जो 1 साल के अंदर अंदर आप कॉन्जुगेटेड टाइफाइड का वैक्सीन लगवाते हैं वो 10 साल के लिए इफेक्टिव होता है। तो वो लगवाना ज्यादा बेहतर है। और अगर आप अपने बच्चे को पेनलेस टीका लगवाना चाहते हैं तो वो भी सरकारी गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। पेनलेस टीका जो होता है वो आपको प्राइवेटली लगवाना पड़ता है। इसके बाद 1 साल के बाद हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स, ये तो ऐसे वैक्सीन है जो गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, जो कि आपको प्राइवेटली लगवाने पड़ते हैं। इसके बाद आता है एक मेनिंगोकोकल, जो कि ब्रेन फीवर का वैक्सीन है, वो भी सरकारी नहीं लगता है, गवर्नमेंट में नहीं लगता है, वो आपको प्राइवेटली लगवाना पड़ता है। फिर गर्ल्स में जो 9 ईयर्स के बाद सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन होता है, वो भी गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, वो आपको प्राइवेटली लगवाना पड़ता है। तो फिर से मैं सिर्फ लिस्ट आपको बता देती हूँ, जो कि आप अपने पीडियाट्रिशियन, अपने डॉक्टर से अपने बच्चे के लिए डिस्कस कर सकते हैं। सो ये लिस्ट है फ्लू वैक्सीन, टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, चिकन पॉक्स वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन फॉर ब्रेन फीवर एंड सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। ये वैक्सीन आपके बच्चे को गवर्नमेंट में नहीं लगते हैं, इसका फायदा आप प्राइवेट से उठा सकते हैं और अपने बच्चे को लगवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए मिलते रहिए, देखते रहिए आईकेएमआई चैनल।